तो भैया बाहर से बड़ी सूख कर अंदर आ गई है, इस तरीके से हमारी मम्मा हमारे स्टूडियो का इस्तेमाल करती है। घर में यही प्रॉब्लम है यार, घर में कुछ काम करते हैं ना तो भाई ऐसा लगता है ये बंदे नल्ले हैं, इनको भाई कुछ काम नहीं है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो भाई साहब आज का टॉपिक ये है कि हमारे एक छोटे भाई हैं जो पहले भी आए थे, उन्होंने प्रोजेक्ट बनवाया था। चले गए, ज्यादा बात ना करते हो, मैं आपको उनसे मिलवाता हूँ। फिलहाल तो अभी आए नहीं है, आने वाले हैं, जब आएंगे तब मैं आपको मिलाऊंगा। तो वो लगाते हैं टीट, ये वाला मैं लगा भैया। तो गाइस वैसे तो भाई साहब आ गए हैं, लेकिन वीडियो बनाने के लिए ऐसा कहना पड़ता है कि भाई वहीं खड़े रहो। हाँ भाई अब आ जाओ, देखो भाई रियलिटी मिलती है आपको हमारे व्लॉग चैनल पर। कोई झूठ नहीं, जो मिलेगा इस रेल मिलेगा 100% मिलेगा। तो मैं थोड़ी सी और लाइट जलाता हूँ, तो गाइस काले काले आ रहे हैं। लाइट की तो भाई कमी नहीं है, वो बात अलग है, पैसे की कमी है पर लाइट की कमी नहीं है। तो अब मैं आपको थोड़ा सा साफ सुथरा से दिखाई दे दूंगा, वो बात अलग है, हम लड़के हैं कितना नहा धोने एक से रहते हैं। तो ये है अमन भाई। हाँ अमन भाई, कौन सी क्लास में पढ़ते हो? ये 7th क्लास में पढ़ते हैं। पहले का प्रोजेक्ट कैसा लगा? अच्छा। वैसे मैंने इनसे कही थी पहले कि भाई पहला का प्रोजेक्ट मैंने बनाया, दूसरा तुम खुद बनाना, लेकिन यार अब जो टीचर है ना वो भाई हाई डिमांड कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं टीचर? 3-4 वोल्ट का बल्ब जला के दिखाना है। 3-4 वोल्ट का या वाट का? वाट का। अभी तो भैया को वोल्ट का वाट का नहीं पता। 3-4 वाट का एलईडी बल्ब जला के दिखाना है। सिंपल सी बात है, बल्ब तो जलेगा नहीं, एलईडी बल्ब जल सकता है। तो भाई वो बनवा रहे इन्वर्टर। यार 7th क्लास का भाई, ऐसा कौन सा स्कूल है मेरे समझ जाती है, कौन सी मतलब कौन सा भाई ना समझना पड़ता है। मैं नहीं बताऊंगा, 7th क्लास में पढ़ रहे भैया और टीचर इनके डिमांड करने के एक इन्वर्टर बना के लाओ जो कि 3-4 वाट या 5 वाट का कोई बल्ब एलईडी बल्ब जला सके। बच्चों के थोड़ा सा हार्ड प्रोजेक्ट दे दिया है ना, बच्चा कहां से बना पाएगा। खैर जो बात है, भैया हमारे पास आए हैं, आज भैया ही बनेंगे। तो भैया हमारे पास कुछ सामान पड़ा है, क्योंकि हमारे सब पड़ोसी है भैया है ना, आगे रहते हैं घर के काफी, लगभग 200-300 मीटर दूर, मतलब पड़ोसी मानो आसपास की है। तो भैया हमारे पास क्या है, हमारे पास कुछ चीज है। आ जाओ बच्चों, देखो कैपेसिटर और ये पुरानी किट है। देखो भाई ये रही इन्वर्टर की किट, एक किट तो भाई ये रही इन्वर्टर की, ठीक है, जो कि बहुत बड़ी है। और भाई साहब एक ये रही इन्वर्टर किट, काफी सामान पड़ा यार हमारे पास। मैंने गाइस आपको ये वाला बॉक्स दिखाया नहीं है, देखिए है गिर गया। ये ट्रांसफार्मर है जो कि इसमें लग सकता है, ये भी इसमें लग सकता है, वैसे 750 मिली एम फिर का है ना, ये भी लग सकता है। इन दोनों किट में ट्रांसफार्म लगेगा तभी ये काम करेंगे। ये रहा अडाप्टर। अब गाइस दिक्कत यह है कि जो स्कूल वाले होते हैं वो प्रोजेक्ट बनवा तो लेते हैं, लेकिन दे या ना दे, वापस दे ना दे, वो उनके हाथ में होता है। बाय चांस दे भी देते हैं, खैर भाई मैं तो कोई उम्मीद रखता नहीं स्कूल वाले से कि भाई वो प्रोजेक्ट वापस देंगे। तो गाइस तो काफी कॉस्टली पड़ जाएंगे कि भाई इनका बनाएंगे इन्वर्टर। और भाई ये 100 वाट का है और ये अप्रोक्स 200 वाट का है, तो भाई ये अच्छा है लेकिन भाई महंगे भी काफी पड़ेंगे। तो भैया मैं काफी सोच रहा था इस बात को, क्योंकि पप्पा लेके आए, हमारे पप्पा के फ्रेंड के लड़के हैं ये। पप्पा का फोन आया था कि ऐसे ऐसे बात है, तो मैं कह रहा चलो ठीक ही भेज दीजिए। तो पापा कहते कोई अच्छा सा बना के भेज दियो जो काम करे बढ़िया। तो मैं सोचने लगा तो काफी कॉस्टली पड़ेगा ना, तो इतने में तो भाई किसी की हेल्प हो जाएगी, किसी को दे देंगे, कितनी दुआ देगा इन्वर्टर बना के। मैंने सोचा कोई ऐसा जुगाड़ लगना चाहिए जो भाई स्कूल वालों का भी काम हो जाए, हमारा भी काम हो जाए। तो भैया आपको पता मैं क्या करने वाला हूँ? हाँ भाई साहब आप समझ गए मैं क्या करने वाला हूँ। जैसे भाई मोबाइल चार्जर है ना, इसका जो देगी ये है ना, ये ट्रांसफार्मर है भाई, ये निकालेंगे हम और भाई इसका बनाएंगे आज इन्वर्टर। भाई बनाएंगे कैसे? वैसे गाइस आपने देख लिया है, लेकिन हमारे एक्सपर्ट आपने देख लिया है, लेकिन भाई मैं आज बिल्कुल अलग टाइप से बनाने वाला हूँ। और भाई काम करेगा नहीं करेगा तो बाद में देखेंगे, हैवी लोड है। तो चलो भाई फटाफट से भरते हैं। चलो भाई छोरे भर दो फटाफट। तो काफी सारी चीजें पड़ी रहती है ना, अलग अलग टाइप की, ऐसे तो नहीं लेंगे, हमारे पास ऑलरेडी है निकला हुआ। और भाई इसमें भरोसा है कि वो ठीक है। और कैपेसिटर गाइस मैंने एक एक्सपेरिमेंट किया था, तो भाई इसमें इतने सारे कैपेसिटर गए और बहुत सारे भाई मेरी वीडियो देखा गाइस, मैंने एक मोबाइल बहुत सारे कैपेसिटर की बैटरी बनाई है। हो सकता है तो गाइस मैं आपको लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक है, वहां जाकर देख सकते हो। तो ये जो ट्रांसफार्मर है मैं आपको ही बताऊंगा। लो भाई हो गया, तो इसे तो रखते हैं यार, इतने वेट से भाई ये टूट गया है। ये भाई हो गया। तो भाई हम करने क्या वाले हैं आपको गाइस ऐसा पता है, फटाफट गाइस आपको कंपोनेंट्स दिखाता हूं मैं क्या क्या यूज करने वाला हूं प्रोजेक्ट के लिए। एक शॉर्टकट प्रोजेक्ट है, आराम से बना सकते हो, कोई बना सकता है उसे। तो भाई उससे आपके हेल्प भी हो जाएगी। भैया ये पड़ा हमारा ओवन जो कि बेचारा बिल्कुल कबाड़ हो चुका, बॉडी है भाई सब कुछ, मेरा माल मैंने निकाल लिया है, तो हमें बोर्ड की जरूरत है बोर्ड की। तो मैं फटाफट इसे लगाता हूँ। हमारे पास एक बड़ा बोर्ड भी है, वो काफी बड़ा है, तो भाई मैंने अलग से छोटा बोर्ड बनाया है, कभी कभी इस छोटे की भी जरूरत पड़ती है इसलिए। और यहाँ पर लेंगे हम सोल्डरिंग आयरन। तो भैया हमें कुछ सामग्री चाहिए और गाइस ये मैंने अपने चेयर पर बना के दिखा दिया है, लेकिन भाई ये अलग टाइप से है, वो मैंने अलग टाइप से बना के दिखाया था, ये और इजी बन जाएगा। देखो भाई हमें चाहिए एक मॉस्फेट Z40N, देख सकते हो, अगर आपको इसका नंबर दिख जाए बस भाई पप्पी लोगे इसकी। और भैया एक है 33 ओम का रेजिस्टेंस और भाई एक वही आपको पता है ये क्या है। तो भैया फटाफट जोड़ते हैं और भैया जी से पूछते हैं कि ये क्या क्या है। हाँ जी भाईजान, बजरंगी भाईजान बताइए इसे क्या कहते हैं? रेजिस्टेंस।
रेजिस्टेंस। चलो कितने ओम का है? 33 ओम का। ये बात का ध्यान रखनी है भाई, क्योंकि वो क्लास वाले पूछ सके और वीडियो बिल्कुल ना देखे मेरी। ये पता है कहाँ से निकला है? ये जो मोबाइल चार्जर होता है उसमें से निकलता है, ठीक है? कहते ना केवल चार्ज में निकला। ये क्या? ये है मोसफेट। और इसका नंबर इसको ऊपर लिखा तो एक बार याद कर लेना, Z44 है, ठीक है? बस Z44 कर लेना, बहुत इससे पहचान हो जाएगी। तो तीन चीजें तो भाई फटाफट इसे जोड़ते हैं। और ये काम करेगा नहीं करेगा यार, ये तो पहले तो कर रहा था भाई, इनका गड़बड़ हो जाता है कभी कभी, भाई चीज से काम नहीं कर पाते, देखते क्या होता है, नुकसान हो जाएगा नहीं काम किया तो। कनेक्शन बहुत ईजी है, देखते रहो बॉस, ठीक है? बीच वाले लगे भैया इस पर हीट सिंक भाई जरूर लगानी यार, हीट सिंक हल्के लग रही है मेरे को, है ना? क्योंकि यार अभी कॉलेज वाले चला कर रखे थे, इसे भाई हीट हो गई खराब हो जाए, तो अभी तो फिलहाल मैं इसकी हीट सिंक हटा देता हूँ। ये पहले मेरे पास पुराना पड़ा था भाई मॉस्फेट, तो मैंने सोचा कि फिलहाल तो यही मेरे पास एक ही पड़ा यार, बाजार जाना पड़ेगा मुझे लेने के लिए, मार्केट जाना पड़ेगा। और भाई एक रेजिस्टेंस जो कि है 33 ओम का, कितने का? 33। याद कर लोगे बोलोगे बार बार तो ये याद हो जाएगा बोलते बोलते। यहाँ पर कुछ वायर की आवश्यकता होगी मित्र। अरे 2 मिनट में गाइस, अभी बस 2 मिनट में तैयार इन्वर्टर। वैसे गाइस हम ये रेड कलर का वायर ले सकते थे लेकिन चलो कोई ना। यह पॉजिटिव इनपुट थोड़ा बड़े काटेंगे, चलो एक काल लेते हैं तो इससे पता लग जाएगी। यहाँ पे ये ब्लैक एंड व्हाइट लगा दिया थर्ड लेग पर। यह भाई साहब इनपुट नेगेटिव, ये निकला भाई इसका इनपुट। अब आते हैं इसके आउटपुट पर। आउटपुट तो बहुत ज्यादा ईजी है, अलग अलग कलर का वायर लेते हैं ना जिससे कि भाई दिक्कत ना हो। ये रे भैया इसके आउटपुट, बस बहुत ईजी है भाई, छोटा सा इन्वर्टर है, बहुत ईजी है। अब ये काम करेगा नहीं करेगा भाई ये तो अभी पता लगेगी। वैसे गाइस पहले तक कर रहा था लेकिन बाय चांस होता है ना कि कुछ गड़बड़ हो जाती है। पहले इसका आप कनेक्शन देख लो, ये इसका नेगेटिव इनपुट, ये रहा पॉजिटिव इनपुट, ये दोनों आउटपुट है। और भाई हमारे पास दो तरह की हीटिंग, इससे गाइस हैवी भी आती है इस सेल की, मतलब कैसे आप लगा सकते हो लेकिन इतनी हैवी की जरूरत नहीं है, ये भी काफी हैवी है इसके हिसाब से, ये लगा देंगे। लो भाई, तो भाई ये तो चुका है। देख गाइस दिक्कत होती है बड़े यार, यहाँ पर ये बंद तो गया है, अब इसकी टेस्टिंग कब आ जाती है, चलता कितनी देर ये बात भी आएगी। तो ये निकला इसका आउटपुट, ये निकला इसका इनपुट। अब भाई इसे आप कितने वोल्ट दे सकते हो? गाइस आप इसे 3.7 वोल्ट से लेकर 9 वोल्ट तक आराम से दे सकते हो, मतलब आराम से 12 वोल्ट भी दे सकते हो लेकिन आराम से दे सकते हो, 9 वोल्ट तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और भैया हम इतने लुल्ले थोड़ी है, मैं आपको क्या दिखाऊं, क्या दिखा सकता हूं मैं। मेरा भैया एक डिब्बा खोले, अभी लोंडे इसमें क्या है, बैटरी। देखिए क्या है, बैटरी। जोर से बोलो, बैटरी। जय माता दी। ये कौन सी बैटरी है? फोन की बैटरी ली थी हम, पॉलीमर बैटरी, ठीक है? ये तो सिंपल आप जानती हो। ये कौन सी बैटरी है इसका तो जानना बहुत जरूरी है। यह लैपटॉप की 18650 बैटरी, तो भाई हम ये वाली भी यूज कर सकते हैं, ठीक है? और ये तो 9 वोल्ट की बैटरी है, हम ये वाली बैटरी यूज कर सकते हैं। भाई साहब अगर ये वाली बैटरी यूज करिए ना तो इसके साथ हमें मॉड्यूल भी लगाना पड़ेगा। ओ भाई साहब मॉड्यूल 150 रुपए का। दिल से दुख होता भाई जब स्कूल वाले ऐसा प्रोजेक्ट लेते हैं महंगा थोड़ा सा। खैर जो बात है हम इस वाली यूज करेंगे। ये भाई 25-30 रुपए की मिल जाती है और ये अच्छा बैकअप देगी, ठीक है? बस रिचार्जेबल नहीं होगी, अगर ये रिचार्जेबल है लेकिन भाई इसके साथ में मॉड्यूल भी लगाना पड़ेगा, ठीक है? तो भाई मान के चलते हैं 60-70 रुपए की बैटरी। वैसे गाइस ये अगर आप पुराने लाते हो सस्ती मिल जाती है, मतलब बता रहा हूँ नॉर्मली, जिससे नहीं मिलती है वो 70-80 रुपए 100 रुपए की बैटरी लेकर आएगा। 150 रुपए का तो मॉड्यूल जोड़ा, 250 रुपए का तो ये जुगाड़ हो गया, है ना? तो हमें क्या करना है, हमें फ्री का काम करना है। अब गाइस हमें चाहिए एक कितने वाट के लेडी, 3 वाट की, 3-4-5 वाट की कोई सी भी एलईडी हमें चाहिए जो गाइस हम इस पे टेस्ट कर सके। तो मेरे पास यार आप 3-4-5 वाट की एलईडी कहाँ यूज करते हैं भाई? जितनी भी एलईडी लग रही है ना सब 7 वाट, 9 वाट, 40 वाट और 30 वाट, 30 वाट की है। तो या फिर 100 वाट, 200 वाट का बल्ब है मेरे पास। तो मेरे दिमाग में अभी भी आया कि हाँ भाई है, हमारे पास भी है और कहाँ है। ये रही भाई साहब, वैसे ऐसी यहाँ आती रहती हैं, ज्यादा नीचे नहीं दिखाऊंगा, समझ जाओगे तुम, बस हो गया। अभी मुझे लगता है कि मैंने थोड़ा ज्यादा दिखा दिया, लेकिन क्या करें यार, कम दिखाने से काम नहीं चलता ना आजकल। तो भाई ये रही हमारे पास एलईडी, देखो यहाँ सुखा दी, वहाँ सुखा दी, जहाँ मर्जी सुखा दी, स्टूडियो का नाजायज फायदा उठा जा रहा है, इसके सकते हो गलत फायदा उठाया जा रहा है। ये भी देख लो 3-4 वाट के शायद कहा है, हाँ दिख गया 3 वाट, देख लो 3 वाट की है भैया ये एलईडी, और ये कंपनी की एलईडी है। आई थिंक ये 2.5 साल से तो चल रही है, पहले पिछले घर में भी थी, इस घर में भी आ गई भैया, ये अच्छी सर्विस दे रही है हमें, इसे चला के देखते हैं। और ये है सुपर कैपेसिटर, आग लगा देगा, आग क्या लगा देगा, इंग्लिश में क्या कहेंगे आपको, आ लुंडे क्लोनी फार्म है, पुष्पा झुकेगा नहीं नाला, इसे वापस रखते हैं। और हमें जरूरत पड़ेगी कुछ सामग्री की, होल्डर भी मेरे पास अच्छे वाले यार, अरे हैं मेरे पास है भाई होल्डर भी। वैसे भाई ये रहे होल्डर, ठीक है? मेरे पास पूरा का पूरा डिब्बा पड़ा था होल्डरों का, आई थिंक स्टोर में रखते हैं वो। सामान बहुत है भाई, रख के हम भूल जाते हैं, दिक्कत ये आती है, लाए बहुत सारा सामान और एक जगह रख गया, बाद में भूल गए भाई वो किधर रखा है, लेकिन भाई हमने सफाई करी तो हमें पता है। काफी सारे होल्डर है इसके अंदर, आई थिंक यकीन मानेगा इस मैंने भी तेज खोल के देखा, आपके सामने देख लेंगे ना, पता तो लगे क्या निकलेगा इसमें, कोई चूहा नहीं चल जा। अरे वाह 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 वाह, लाए तो भाई एक बार हम यूज करते रहते हैं, पूरा डिब्बा उठा के ले आते हैं। देख रहे हो गाइस खर्चा कितना मोटा होता है, अपन भाई बताएंगे ये वाला लगा में, ये वाला लगा में,
ये वाला, अरे वाह पता ना कौन सा रहेगा, पैसे बचा दिए। ये हाफ होल्डर आउटपुट गाइस मैंने आपको दिखाई दी थी, तो भाई पहले हम चेक कर लेते कि ये काम कर रहा है नहीं कर रहा है। यार कर ले तो अच्छी बात है भाई, हमारा जो है ना सरदर्द बच जाएगी बहुत ज्यादा। तो तार लगा दिए हैं, देखेंगे यार सामने आपका बिल्कुल लाइव पेक्टेल होगा आज, खुल्ला खुल्ला होगा जो भी होगा। वो एलईडी में आपको अरे खोल के देखा तो पहली गली भी है, लग जा बाद में लगाएंगे। चलो और भैया ये रहा वायर, और देखते हैं एक बार लगा के भैया की चल रहा है नहीं चल रहा है, और पॉजिटिव इसका ये वाला और नेगेटिव वाला चल गया। यहाँ गाइस काफी लाइट है, इस बार आपको कम दिखाई दे रही होगी, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, चल जा भाई फटाफट, तार निकल गया देखिए चल रहा थी, ठीक है ये रहा। तो पहले क्या करता हूँ भाई, मैं इसे लगा लेता हूँ पहले, है ना, और लाइट बंद करता हूँ पहले। और भैया सीधे यार कनेक्शन ही कर देते हैं ना, एक तार को छोड़ देंगे, चालू करते हैं। अरे वाह मस्त भाई साहब, देखो भाई देखो कोई फेक नहीं यार, है ना, काफी लोग इसे फेक बताते हैं लेकिन भाई मेरा तो काम कर रहा है, करता है, और मैंने काफी बार इसके ऊपर वीडियो बना भी दिए। तेज जल रही है, काफी मस्त है ना, 3 वाट के लिए इतनी जलेगी, और भाई तुरस थोड़ी है। अब भाई बारी आती है कि इसे मैनेज करना। अब भाई इसे बॉक्स में तो बंद नहीं कर सकते क्योंकि भाई इसे प्रैक्टिकल है और अच्छा नहीं लगेगा ना, तो थोड़ा ओपन एरिया में रखते हैं इसे, थोड़ा खुला खुला रखते हैं जिसका थोड़ा सा ये ठंडा वंडा सा भी होता रहे, है ना, कूल कूल। तो भाई हम क्या करेंगे, हम वही अपना फॉर्मूला अपनाएंगे। अरे काफी पीवीसी पाइप की शीट रखी मेरे पास, कौन से ले यार जो बिल्कुल ठीक बैठा है इस पर। वैसे यार ये भी ठीक है, लाइट वेट बहुत है। चलो खैर ये चल जाएगी, मस्त है ना, मजबूत पाइप की बेंची है, ये अच्छी ब्रांड की पाइप की, इसे लेंगे। तो इसका बनाएंगे हम बेस। तो भाई इतना काट लेंगे जितनी भी हमें जरूरत है, थोड़ा एक्स्ट्रा काटो लगे सी, कंजूसी नहीं चलेगी। टीचरों को ये नहीं पता होना चाहिए कि इस बच्चे ने कंजूसी की है, वरना वो नंबर देने में कंजूसी कर सकते हैं। भैया पहले बता रहा हूँ क्योंकि मेरे साथ तो होता रहता है सब चीजें। थोड़े से कोने से काट लो, चुभना जा खामे का, है ना, शरीर में कहीं भी एक और छेद हो अच्छा नहीं लगेगा। लो भाई अब ये चुभेगा नहीं, और ये काफी ठीक लग रहा है, यहाँ से साफ है ना, इधर से लेंगे। तो भाई इसे चिपकाएंगे ग्लूगन से, और भाई ग्लू ले रहा हूँ हैवी वाली, हैवी ड्राइवर ना मजबूत वाली, एक बार चिपक गई भाई साहब छूटेगी नहीं आसानी से। भाई से ऑन ऑफ करने के लिए एक स्विच भी ले लेते हैं, स्विच कौन सा लें, वैसे ये वाले भी ठीक है ना, वैसे मैं लेंगे स्विच, है ना, जो दिख जाए एस्पेस्टी स्विच। और इसमें थोड़ा सा ये भी चल जाएगा, छोटा स्विच है ना, काफी छोटा सा है, चले लेते हैं ये सही रहेगा। एक बार अमन भाई से पूछ लेते हैं कि कौन सा स्विच लिया जाए, बताइए। वाह क्या जवाब दिया है, रुक जाओ सल्यूट। खैर हम भैया फिर भी ये वाला लेंगे। ओ भाई कहीं नहीं जाने वाली, सॉरी गाइस हमारे पास बैटरी यही पड़ी थी, ठीक है चालू है पूरी, रखी रखी होगी ऐसी, बस ऐसा ऐसी कंडीशन हमारी होगी, रखी रखी ऐसी होगी इसकी भी। भाई बल्ब ऐसे चिपकाएंगे, ऐसे पहले ऐसे होल्डर को निकाल ही लेते हैं ना, चिपका देंगे। वैसे इतना हीट होता नहीं है ये कि इसे छुटा सके, और ये जो ग्लूगन है ना इसका टेम्परेचर थोड़ा हाई है, जो मैं लगा रहा हूँ ना हाई वाली, ये जल्दी से मेरे लिए भी नहीं होते ऐसा नहीं से। यहाँ सारे तार बन गए, वाह क्या फिनिशिंग मारी है मैंने, हो सके एक टीचर तो बेहोशी हो जाए देख के, गिनीज बुक में नाम लिखवा दे अमन भाई का, कि भाई ऐसे भी स्टूडेंट है जो कम खर्चे में निकाल दिया सारा सामान, हम तो सोच रहे मोटा पैसा आएगा। भैया हमारे पास इतना बजट भी ना है कि इसका कनेक्टर भी लगा सके बैटरी का। तो गाइस हमारा छोटा सा इन्वर्टर जो कि 5 वाट की एल तक चलाने के लिए सक्षम है, देखते गाइस ये वैसे तो ठीक ठाक लग रहा है, अभी अब काम कर रहा है नहीं कर रहा फिटिंग के बाद ना, ये लगाई अपने अपनी एलईडी, सॉरी अपनी एलईडी नहीं, एलईडी लगाई, हाँ काम कर रहा है, आपको कम दिखाई दे रहा होगा ठीक है, लेकिन काम कर रहा है। लाइट बंद करो, सारी लाइट बंद करी जाए, सारी लाइट बंद कर दियो, मैं फिर भी आपको दिखाई दे रहा हूँ, वजह क्या है, वजह गाइस ये होल। तो खैर जो बात है देखिए भाई, और ये थोड़ा जैसा कर रहा है ना, थोड़ा आई थिंक टावर गड़बड़ कर रहे हैं। बढ़िया, तो मैं आपको दिखाता हूँ अपने मुंह के पास, भाई बढ़िया काम कर रहा है, ठीक है बॉस हैप्पी। अभी दिन बन की राय पूछेंगे तो पहले दिन निकाल लेते हैं। भाई पहले कैमरा चालू कर दिया, सफाई तो करने देते। खैर जो बात है बन चुका है भाई का प्रोजेक्ट, रुक जाइए स्कूल जाओ अच्छे से पढ़ाई लिखाई करो, कोई भी जरूरत हो नो टेंशन, तुम्हारा भाई है। तो समझ में आया कैसे कैसे लगा बताओ, अगर कोई टीचर पूछे तुमसे तो कैसे कैसे जवाब दोगे। तीगुल ये इसे कहते हैं बत्ती गुल मीटर चालू, कोई टीचर पूछेगा इस प्रोजेक्ट के बारे में बताओ ये क्या है, सबसे पहले तो क्या है, हाँ 50% मार्क्स दे दिए तुम्हें, पूछेगा कि ये क्या है, कितने वोल्ट की, 9 वोल्ट की, ठीक है ये पूछो क्या स्विच है, कौन सा स्विच है, एसपीएसटी स्विच, लिख लेना है कॉपी लेकर कुछ बात हो ठीक है, और ये मोसफेट है जिसको ऊपर लिखा है 44 है, और भाई ये होल्डर है, और ये एलईडी है, और ये एलईडी, अच्छा सॉरी ये यहाँ से खुल रहा है, ये एलईडी हमका दे दो ठाकुर, ये लेके जा रहे थे भाई, फिर हम अंधेरे में करेंगे कैसे, अंधेरे में तो निकलती भी नहीं उतरती भी नहीं हमारी, तो भाई ये तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ठीक है उस्ताद। तो आयो फ्रेंड्स ये ब्लॉग आपको अच्छा लगा होगा, इसकी जो एंड होता है ना, एंड ऐसे नहीं होता, चलो भाई तो गाइस एंड ऐसे नहीं होगा, एंड होगा, हो रहा है एंड, हो रहा है, रुक जाओ एंड हो रहा है। अच्छा भाई अमन भाई ठीक है, थैंक यू सो मच, फिर मिलते हैं, टाटा कर दो।
टाटा बाय बाय। और भाई इस एलईडी को जहाज हमने निकाली थी वहीं पर लगाना बहुत ही अनिवार्य है, वरना मेरे सपनों की रानी बुरा मान जाएगी। ये मेरी कार करे धमाल। तो गाइस लड़का काफी अच्छा था, मस्त था। और भाई मैं ऐसे इसलिए चल रहा हूँ गाइस एक प्रोजेक्ट हम बना रहे हैं गाइस, वो आपको ना दिखाएंगे समर एक्सपेरिमेंट पर दिखाएंगे। चलते रहता भाई कुछ ना कुछ यहाँ। तो गाइस आई होप ये व्लॉग आपको अच्छा लगा, हैप्पी एंडिंग सबसे बड़ी बात तो भाई ये व्लॉग की या किसी वीडियो की या किसी भी कहानी जिंदगी की वगैरह वगैरह। तो गाइस लाइक करें सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को भाई, जरूर बताइए ये व्लॉग आपको कैसा लगा। थैंक यू सो मच, जल्दी मिलते हैं, बाय बाय।